ये कहानी है माइकल की, जिसकी उम्र है 15 साल, लेकिन उसे 36 साल की एक औरत से प्यार हो जाता है, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है और वो पूरी जिंदगी भर उसी की ही याद में खोया रहता है। तो कहानी शुरू होती है और हम माइकल को देखते हैं। माइकल अपने सामने एक ट्रेन को जाते हुए देखता है और इसी के साथ ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम 15 साल के माइकल को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल से घर जा रहा था, पर तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो जैसे ही आगे जाता है, उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है और उसे उल्टियाँ भी आ जाती है। और फिर तभी उसके पास हैना नाम की औरत आती है और उसकी मदद करती है। तभी माइकल रोने लगता है तो हैना उसे गले लगाकर कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। जिसके बाद हैना उसे उसके घर पर भी छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर आने पर माइकल के घर वालों को पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर जब डॉक्टर माइकल को चेक करता है तो वो बताता है कि उसे स्कारलेट फीवर है, जिस वजह से उसे अगले 3 महीने तक अपने रूम के अंदर ही रहना होगा। अगर वो अपने रूम से बाहर निकला तो ये बीमारी उसके घर वालों को भी लग जाएगी। तो फिर अब माइकल भी ऐसा ही करता है और अगले 3 महीने तक वो अपने रूम के अंदर ही पड़ा रहता है। और फिर जब वो ठीक हो जाता है तो सबसे पहले वो हैना के लिए एक बुके खरीद कर उसके घर पहुंच जाता है, ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके। वो उसे बुके देता है और कहता है कि मैं पहले भी आ जाता, लेकिन डॉक्टर ने मुझे 3 महीने घर के अंदर ही रहने के लिए कहा था, इसीलिए मुझे इतनी देर हो गई। तो हैना कहती है कि कोई बात नहीं, जिसके बाद माइकल उसे पूछता है कि अगर आपको किसी भी काम की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हो। तो हैना कहती है कि मैं एक कंडक्टर हूँ, तो तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। और फिर इसी के दौरान माइकल हैना को कपड़े बदलते हुए भी देखता है, जिसे हैना देख लेती है, जिस बात से घबरा कर माइकल वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो कई दिनों तक हैना के घर के आसपास मंडराने लगता है। फिर एक दिन जब वो हैना को कोयला लाते हुए देखता है तो वो भी उसके पास चला जाता है और पूछता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो हैना कहती है कि ठीक है, नीचे और भी कोयले हैं, तुम उसे लेकर आओ। और फिर इसी के चलते माइकल की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसे देख कर हैना उसके ऊपर काफ़ी हंसती है। हैना कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो, तुम्हारे कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके हैं और मैं उन्हें साफ करके देती हूँ, तब तक तुम नहा भी लेना। और फिर जब वो माइकल के लिए टॉवल लेकर आती है तो हमें पता चलता है कि हैना ने भी अपने कपड़े उतार दिए हैं। वो उसकी पीठ पर किस करने लगती है और कहती है कि तुम यही चाहते थे ना, जिस बात को सुनकर माइकल कन्फ्यूज होने लगता है। तो हैना कहती है कि मेरी तरफ देखो, जिसके बाद वो उसे किस करती है और दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं। और अब इसके बाद ही इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। स्कूल छूटने के बाद वो हर दिन हैना के पास आता था और ऐसे ही हर दिन वो दोनों एक दूसरे के करीब आते रहते थे। अब एक दिन माइकल उसे कहानी सुनाता है तो एक दिन एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, जिससे देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अब एक रात माइकल हैना से पूछता है क्या कल हम डिनर पर जा सकते हैं, जिस पर हैना उसे हाँ कह देती है। और फिर अगले दिन ये दोनों बाहर जाते हैं तो सभी लोग इन दोनों को ही देखने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों की उम्र में काफ़ी फासला था, जिससे हैना अकवर्ड फील करने लगती है। तो ये दोनों लोगों से दूर एक झील के पास आते हैं, जहाँ पर हैना नहाने लगती है। वो माइकल को भी पानी के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन माइकल कहता है कि नहीं, अभी मैं एक कविता लिख रहा हूँ जो कि आपके बारे में है और मैं इसे पढ़कर आपको सुनाऊंगा। अब हम माइकल के कुछ दोस्तों को देखते हैं, जिसमें से एक लड़की उसे पसंद भी करती थी, पर माइकल उसे हर बार इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि वो हैना से प्यार करता था। अब एक दिन हैना का प्रमोशन भी हो जाता है, जिसके चलते उसे ये सिटी छोड़नी होगी। माइकल का जब बर्थडे आता है तो वो अपने दोस्तों को छोड़कर हैना के पास आता है, जिससे हैना उस पर काफ़ी गुस्सा होती है कि मेरे चक्कर में तुम अपने दोस्तों को मत छोड़ो, लेकिन माइकल उसे मना लेता है। और फिर आखिरी बार ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और फिर अगली सुबह हैना माइकल को बताए बगैर ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसका प्रमोशन एक दूसरी जगह पर हो चुका था। और फिर जब माइकल उसके घर आता है तो हैना उसे नहीं मिलती। वो काफ़ी दुखी होता है और अकेले ही अपना टाइम बिताने लगता है। वो ज़्यादातर किसी से बातें भी नहीं करता। और फिर देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर माइकल अब 23 साल का हो चुका था और वो LLB की पढ़ाई कर रहा था। अब एक दिन उन सभी स्टूडेंट्स को केस ट्रायल देखने के लिए ले जाया जाता है। दरअसल कुछ महिलाओं के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यहूदियों के 300 लोगों को चर्च के अंदर चलने के लिए छोड़ दिया। चाहे तो वो उन्हें बचा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन सभी आरोपियों के अंदर हम हैना को भी देखते हैं, जो खुद भी एक गुनहगार है। उसे देखकर माइकल काफ़ी चौंक जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि हैना ऐसा भी कर सकती है। वहाँ पर हम एक बच्ची और यहूदी औरत को भी देखते हैं, जो उन 300 लोगों में से बच गई थी। उसने एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने हैना का साफ साफ जिक्र किया था। और अब हैना के बोलने की बारी आती है, जो ये सब कबूल कर लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि वो सब लोग मरने वाले हैं। मैं चाहती तो उन सभी को बचा सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने से रोक लिया गया और चर्च का गेट खोलने नहीं दिया गया। जिसके बाद अदालत उससे पूछती है कि तुमने उस दस्तावेजों पे साइन किए हैं, जिसमें इन सभी बातों को मेंशन किया गया है,
तो हैना कहती है कि नहीं, मैंने किसी भी दस्तावेज के ऊपर साइन नहीं किया है। तो अदालत कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारे अक्षरों को मैच कराएंगे, तो कागज लो और उसके ऊपर कुछ लिख कर बताओ ताकि हम तुम्हारे हैंडराइटिंग को पहचान सके। फिर हैना जैसे ही इस बात को सुनती है वो बता देती है कि वो साइन मैंने ही किए थे। और यहाँ पर माइकल को पूरी बात समझ में आती है कि हैना एक अनपढ़ औरत है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। और जब उसका प्रमोशन हुआ था तो वो वहाँ से भाग गई और जज के गार्ड की जॉब करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को उसके बारे में पता चले कि वो एक अनपढ़ औरत है। और जो कुछ भी उन 300 लोगों के साथ हुआ उनका जिम्मेदार हैना खुद को ही मान लेती है और उसे उम्र कैद की सजा भी हो जाती है, जबकि दूसरे गुनहगारों को कुछ ही साल की सजा होती है। और ये सब देखकर माइकल काफी टूट जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो हैना से मिलने के लिए जाएगा। वो जेल तो जाता है पर हैना से मिलने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, तो वो फिर से लौट जाता है। और समय ऐसे ही बीतते जाता है और अब माइकल काफी बड़ा हो चुका था, उसकी शादी भी हो जाती है और उसकी एक बच्ची भी है, लेकिन वो अभी भी हैना को भूल नहीं पाया था। वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है जिसके चलते उसका उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स भी हो जाता है। तो वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है। उसकी माँ कहती है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम्हारा तलाक हो गया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम काफी बदल से गए हो, तुम हमेशा काफी सोच में रहते हो, दुखी रहते हो, आखिर वजह क्या है, यहाँ तक कि तुम अपने फादर के फ्यूनरल में भी नहीं आए थे। तो माइकल बताता है कि ये जगह मुझे काफी सारी यादों को याद दिलाती है, जिस यादों से मैं हमेशा भागता रहा हूँ। मैं एक औरत से प्यार करता था जिसकी उम्र मेरे से 2 गुना ज्यादा थी और अब वो जेल में है। जिस बात को सुनकर उसकी माँ एकदम से चौंक जाती है, जिसके बाद माइकल अपने कमरे में आता है जहाँ पर वो उन किताबों को देखता है जो वो हैना के लिए पढ़ा करता था। उसने एक किताब को हैना के लिए आधा ही पढ़ा था, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग करता है और उन रिकॉर्डिंग्स को जेल के अंदर हैना के पास भेज देता है, जिसे सुनकर हैना काफ़ी खुश होती है और रोने लगती है। और फिर वो भी धीरे धीरे पढ़ना लिखना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो माइकल के लिए एक खत लिखती है और उसका जवाब आने का इंतजार करती है। लेकिन देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं पर माइकल ने उसके खत का रिप्लाई कभी नहीं किया। और अब हैना काफी बुरी भी हो चुकी थी, जेल के अंदर हैना का बिहेवियर काफी अच्छा था, तो उसके ऊपर दया करके उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। हैना की कोई भी फैमिली नहीं थी और माइकल खत के जरिए हैना से बातें किया करता था। तो जेल की वार्डन माइकल को कॉल करती है और कहती है कि हम हैना को छोड़ रहे हैं, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही उससे कोई मिलने के लिए आता है। पोस्ट के जरिए आप एक दूसरे से बात किया करते थे, तो हम चाहते हैं कि आप उसका रहने का बंदोबस्त कर दें। और फिर ये सुनकर माइकल काफी परेशानी में आ जाता है और थैंक्स कहकर फोन कट कर देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। काफी दिनों तक सोचने समझने के बाद वो तय करता है कि वो हैना को जेल से लेकर आएगा। फिर वो जेल जाता है और काफी सालों के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ हैना माइकल को देखकर काफी खुश होती है। माइकल कहता है कि मैंने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, पास में ही एक लाइब्रेरी भी है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना काफी पसंद है तो तुम वहाँ हर दिन जा सकोगी। और फिर ये सब सुनने के बाद हैना काफी भावुक होने लगती है और वो माइकल से पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। उस पर माइकल कहता है कि हाँ, मेरा तलाक भी हो चुका है और मेरी एक छोटी सी बच्ची है। जिसके बाद माइकल उसे पूछता है कि क्या तुम्हें उस हादसे के लिए पछतावा है। जिस पर हैना कहती है कि हाँ, लेकिन मरे भी वापस नहीं आ सकते हैं। माइकल जब उसे कहानी सुनाया करता था तो वो हैना से पूछता था कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा। तो इस बार वो हैना से पूछता है कि तुमने अपनी जिंदगी से क्या सीखा। इस पर वो कहती है कि मैंने पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि अंत में मैं जेल में आई और यहाँ पर मैंने वो सब सीखा जो मुझे सीखना चाहिए था। जिसके बाद माइकल उसे कहता है कि अब मैं अगले हफ्ते आऊँगा और तुम्हें यहाँ से लेकर चलूंगा। फिर हम हैना को उसके कमरे में देखते हैं और वो अपनी किताबों को बाहर निकालती है और उनके ऊपर चढ़कर खुद को फांसी लगा लेती है। फिर तभी माइकल उसे लेने आता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसने खुद को फांसी लगा ली और अब वो जिंदा नहीं है। इस बात को जानकर माइकल काफी दुखी होता है। फिर तभी वार्डन उसे हैना के कमरे में लेकर जाती है और उसे बताती है कि हैना ने आपके लिए एक लेटर छोड़ा है। लेटर के अंदर हैना ने लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी पैसे कमाए मैंने उस पैसे को एक डब्बे के अंदर रखा है। मैं चाहती हूँ कि माइकल उन पैसों को उस बच्ची को ले जाकर दे दे जो उस हादसे से बच गई थी। साथ ही वो माइकल को हेलो भी कहती है। और फिर ये सब सुनने के बाद माइकल काफी रोने लगता है और हैना का आखिरी काम करने के लिए निकल पड़ता है। और एक लंबा सफर तय करने के बाद वो उस बच्ची से मिलता है जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी थी। वो माइकल से पूछती है कि तुम दोनों का क्या रिश्ता था। जिस पर माइकल उसे सब सच बता देता है कि जब मैं 15 साल का था तो मेरा उसके साथ रिश्ता था जो कुछ समय तक चला। और फिर इन सभी बातों को बताते हुए माइकल रोने लगता है। इसके बाद वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर किस काम से आए हो। तो माइकल कहता है कि हैना ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई आपके लिए छोड़ी है। जिसके बाद वो उसे वो डब्बा दिखाता है, जिस डब्बे को देखकर उसे अपना कैंप याद आ जाता है जिसमें उसका ये डब्बा चोरी हो गया था। वो कहती है कि इस डब्बे को तो मैं रख लूंगी लेकिन इन पैसों को नहीं ले सकती। तो फिर माइकल उसे पूछता है कि मैं इस पैसों का क्या करूं। जिस पर वो कहती है कि तुम इसे किसी यहूदी एनजीओ को दान कर दो।
तो माइकल कहता है कि ठीक है, लेकिन जाते समय वो उससे पूछता है कि क्या मैं इस पैसे को हैना के नाम से दान कर सकता हूँ, जिस पर वो हाँ कहती है। जिसके बाद माइकल अपनी बेटी से मिलता है और उसे हैना की कब्र पर लेकर आता है और अपनी और हैना की कहानी अपनी बेटी को सुनाने लगता है, जिससे उसकी बेटी मुस्कुराती है। एंड इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।